మాజీ ప్రధానమంత్రి మన్మోహన్ సింగ్ రాజ్యసభకు మరోసారి ఎన్నికయ్యారు. రాజస్థాన్ నుంచి ఎమ్మెల్యే కోటాలో మన్మోహన్ ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికైనట్టు రిటర్నింగ్ అధికారి ప్రకటించారు. రిటర్నింగ్ అధికారి నుంచి రాజస్థాన్ ప్రభుత్వ చీఫ్ విప్ మహేష్ జ్యోతి ఎన్నిక ధృవీకరణ పత్రాన్ని అందుకున్నారు. మన్మోహన్ కు ట్విట్టర్లో కంగ్రాట్స్ చెప్పారు రాజస్థాన్ ముఖ్యమంత్రి అశోక్ గెహ్లాట్. मनमोहन सिंह जी के राजस्थान से राज्यसभा में निर्वाचित होने पर राजस्थान विधायक दल और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से हार्दिक बधाई देता हूं. कांग्रेस हाईकमान श्रीमती सोनिया गांधी जी का मैं आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने मनमोहन सिंह जी को यहां से कैंडिडेट बनाकर राजस्थान को गौरवान्वित किया है. हम सब ने एकजुटता का परिचय दिया, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया. डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जैसे विद्वान और दुनिया के बड़े अर्थशास्त्री का राजस्थान से निर्वाचन होना था. उन्हें पहल करनी चाहिए थी कि वे मनमोहन सिंह जी के सम्मान में ये घोषित करते कि हम कैंडिडेट खड़ा नहीं करेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी हर तरीके की का विचार विमर्श किया, हर तरीके के जो भी उनके तौर तरीके हैं, साजिशें हैं, उन सबका उन्होंने जायजा लिया. और उसके बाद उनको लगा कि जब वे कमजोर हैं और किसी भी तरीके से उनकी दाल नहीं गलने वाली है, वे कुछ भी कर लें, तो उनको ये निर्णय लेना पड़ा कि उन्होंने उम्मीदवार खड़ा नहीं किया. मैं इसे कांग्रेस हाईकमान की, राजस्थान के कांग्रेसजनों की, राजस्थान के विधायक दल की जीत मानता हूं और उम्मीद करके